महासमुंद जिले के वसना वन परिक्षेत्र के सलखंड गांव के जंगल में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा हटाया। आपको बता दें कि कड़ी धूप में सरायपाली वसना वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सलखंड गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंपार्टमेंट नंबर 321 पर वन विभाग को भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण पर कब्जा करने की शिकायत पर टीम पहुंची, जहां वन विभाग को भारी मात्रा में अवैध लकड़ी के लट्ठे समेत लगभग 3 एकड़ से ही ज्यादा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया। मामले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी समेत सभी सामानों को बरामद कर नंद कुमार के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हकीकत बात है, मैं कल आया था घूमने के लिए, थोड़ा शिकायत का डर पे देखा, उसके बाद आज दल बल सहित में स्टाफ को लाया हूँ और देखा ये नंद कुमार वल्दा पुरन मिर्धा जो है उनको नियमन था 0.600 हेक्टेयर जमीन मिला होना देखा पड़ता, लेकिन फाल्स बना के 2.5 एकड़ बना लिया है और आने पर हम देख रहे हैं कि जमीन ज़्यादा कब्जे किया है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में वो ईंटा भी बना रहे हैं, ईंटा भट्टी और पका भी रहा है और बढ़ई का सामान भी मिला है। इससे जाहिर हो रहा है कि बढ़ई का कार्य भी वो करता है यहाँ पर। इसके लिए नमन सर कार्रवाई करेंगे, मेरे अधिकारी हैं उच्च अधिकारी, उनसे मैं सलाह मशवरा लूँगा, फिर अग्रिम कार्रवाई करके आप लोग बताएँगे।